दिल्ली की सल्तनत, पाकिस्तान का हमला, मुंबई में तबाही, इन सब के बावजूद देश के एक मिनिस्टर ये फाइलों का, वीडियो कैसेट का बक्सा लेकर के अमेरिका गए, वॉशिंगटन गए, और वहां ओ भा ओ मां रो रहे थे, ओ भा ओ मां देखो देखो ये पड़ोस वाला हमको मार के चला गया, देखो हम सबूत लाए, देखो मार के चला गया। अरे डूब मारो कांग्रेसियों, डूब मारो, शोभा नहीं देता। अरे 100 करोड़ का देश है और तुम अमेरिका में जाकर के चिल्ला रहे हो कि वो मेरा पड़ोसी मुझे मार के चला गया। क्या देश ऐसे चलाया जाता है क्या? मैं तो किस प्रकार का हाल बनाया इन्होंने, और पाकिस्तान में देखिए साहब उसकी बदतमीजी देखिए, वो हिंदुस्तान को कह रहा है मेरे 30 सवालों का जवाब दो, और ये दिल्ली सरकार को 30 सवाल पढ़ने में 30 दिन निकाल दिए। क्या यही करोगे क्या? क्या मित्रों आतंकवाद खत्म करने का एक तरीका है क्या? क्या ऐसे आतंकवाद खत्म होगा क्या? क्या अमेरिका में जाकर के गिड़गिड़ा करके पाकिस्तान को ठीक किया जा सकता है क्या? मैं तो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? ये दिल्ली की सल्तनत समझा सकती है क्या? ये दिल्ली की सरकार कुछ कर सकती है क्या? मैं तो इस दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। कोई भी नहीं दे पाया। लंबी लंबी बात की, हम करप्शन को हटाएंगे, हम पाकिस्तान में समझौता करेंगे और उससे तालमेल बढ़ा करके जो हमारी सेवा चल रही थी वहाँ से वो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आजकल हो रहा, मोदी सरकार अपने बातों पर खरी नहीं उतरी है और हर तरफ फैल हो रही है। शुरुआत में जब गवर्नमेंट बनी तो बहुत वादे किए गए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार आने के बावजूद कितने शहीद हुए हमारे सैनिक थे बॉर्डर पे, लेकिन उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाया। और सिर्फ वादों के अलावा मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई ठोस कदम लिया है। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था, पूरा एक साल हो चुका है और मोदी ने पहले भी कहा था कि पहले सर्वर काट के ले गए थे, उनका भी कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा कोई करारा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पे जवानों को मारा जा रहा है और हमारी मोदी सरकार ने कहा था कि हमारा एक सैनिक मारा जाएगा उसके बदले में हम 10 मारेंगे, ऐसा तो हमें कुछ लग नहीं रहा है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हमें थोड़ा दुख तो है। नहीं नहीं, पाकिस्तान को उस हिसाब का जवाब नहीं दिया जा रहा जो हमें चाहिए। अगर आज भी हमको भेजा जाए और ये हमारे कमांडर को, मतलब जो हमारा जनरल होता है या ड्यू कमांडर होता है, ब्रिगेड कमांडर होते हैं, उनको क्लियर आदेश होना चाहिए, तभी हमारी जो है स्वतंत्र होकर के आर्मी वाले लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ देश के कोई नौजवान कमजोर हैं, बुजदिल हैं, हमारे देश का तो सैनिक अंतिम क्षणों तक गोली चलाता है और कई उदाहरण है। मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति ठीक किया, सीमाओं पे दबाव बनाया और सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन जो सेनाओं को सुविधाएं देने के लिए उन्होंने वादे किए थे कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, उनकी और तमाम वेलफेयर की चीज़ें देंगे, वो उनकी बातें कुछ दबी दबी रह गई और हवाई जैसे हो गई। वादों कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना ही हो पाएगा ऐसी संभावना लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान सर पर कितने आदमी फौजी मरवा दिए, कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने अभी तक, और ना ही आगे भविष्य में होने की कोई संभावना लग रही है। जी कुछ हद तक तो उन्होंने दिया है, लेकिन जिस उम्मीद से उन्होंने बोला था या जनता को जो उम्मीद दिया था, जनता को जो उन्होंने बताया था कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अभी भी सीमाओं से सीमा के पार से आतंकवादी आते हैं और देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर भी हमारी सरकार उनका कुछ नहीं कर पा रही है। मोदी जी ने चुनाव से पहले जो पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कहते थे और गलत चीख चीख कर ये जनता को बताते थे कि हमारा जब वक्त आएगा, जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम अपने नौजवानों की जो गर्दनें ये पाकिस्तान लेके गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे। आज ना तो गर्दन वापस आ रही है, उससे ज़्यादा सीज़फायर हो रहे हैं। ये मोदी सरकार बिल्कुल खिलाफ है और मैं समझता हूँ
कि उससे बेहतर तो पहले ही सरकार थी। लगातार हमारे जवान जो हैं वो उनकी गर्दनें काटे जा रहे हैं, सीज फायर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है वो कोई पता नहीं जिस मुद्दे पर वो सरकार में आए हैं, जिस मुद्दे पे जो है वो सरकार बनी है। वो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे सैनिकों की गर्दन काटेंगे हम उनके जो है वो गर्दन वापस लेकर आएंगे और उनके जो करारा जवाब दिया जाएगा। आज लगातार जो है पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है, सीज फायर कर रहा है, लेकिन उसे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बातें ही बनाई जा रही हैं, सिर्फ बातें जो हैं वो बातों से सरकार चल रही है। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अच्छे दिन आए हों, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो सर कलम हुए हैं हम उन सरों को वापस लाएंगे, लेकिन भारतीय नरेंद्र मोदी बिल्कुल पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गए हैं। वो कभी भी कटे हुए सर वापस लाने की बात जो करी है कभी पूरा नहीं कर पाएंगे उसको, और आए दिन जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसको कभी वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी में कोई ताकत नहीं है, देश को चलाने की क्षमता नहीं है, वो नतमस्तक हो चुके हैं पाकिस्तान के आगे। कल जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हो रही है, पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, तो करारा जवाब नहीं जा रहा। लेकिन आज आप ये देखेंगे जब से ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने यहाँ इन्विटेशन दिया कि आप आइए और बैठिए। आज वो पाकिस्तान कहाँ गया? कल वो पाकिस्तान बुरा हो रहा था, आज पाकिस्तान के साथ दोस्ती होने लगी? ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं, कोई भी जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया गया। पाकिस्तान की वही हरकतें हैं जो मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी की होती हैं कि बार बार उसको समझाने के बाद भी वो हरकतें करता रहता है। आज भी वो हमारे सैनिकों को दिन ब दिन हमले करता है, मारता है, इसके बावजूद ये सब देखते हुए भी सरकार हमारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या जवाब देंगे ये सब कहने के लिए? जब चुनाव आता है तो बहुत कुछ वादे करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इन लोगों के पास टाइम का, अपने से फुर्सत मिलेगी तभी ये लोग फिर कुछ करेंगे। अभी तो देशाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब उनको वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब हो सकता है सोचें। मोदी सरकार चुनाव को पहले तो काफ़ी वादे किए कि भारत की तरफ आग उठाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कई बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, कई चीज़ें, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भारत को लगे कि मोदी भारत के लिए काम कर रहा है। मोदी सरकार आए, उनसे पहले भी कई सरकारें आई, पाकिस्तान का करारा जवाब देने की बात कहती रहीं, लेकिन एक साल पूरा हो गया है। ये मोदी सरकार कह के आए थे कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, चीन को करारा जवाब देंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई पहलू इन्होंने कदम उठाया कि जिससे भारतवासियों को लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई कदम उठाया। केंद्र सरकार को एक साल तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ तमाम देशों की यात्रा करने से ही फुर्सत नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान तमाम बार तमाम उल्लंघन करता रहता है, लेकिन उसका जवाब इनकी तरफ से कुछ नहीं दिया गया। ये सिर्फ घूमने के लिए ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई जवाब देने के लिए कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। अभी तक तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने जवाब दिया है वो अच्छा ही दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जो उनका रवैया है पाकिस्तानियों का, वो बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को। अब हो सकता है कि आगे या चल के मोदी जी कुछ उस पर अहम कदम उठाएं, या सारे देशों को साथ लेकर जो भी अच्छा कदम उठा सकते हैं वो उठाएं। अभी तक फिलहाल जो भी है उन्होंने अच्छा ही जवाब दिया। मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है, कूटनीतिक दबाव बना रहे, बहुत अच्छा प्रयास है पाकिस्तान को दबाने का। जहाँ तक हमको पता है बहुत करारा जवाब दिया गया है, लोग अनुभव करे या ना करे, जो गांधी परिवार ने इतने सालों में खराब किया वो मोदी 5 साल में तो ठीक कर सकता नहीं है। आज नहीं बहुत पहले से ये होता आ रहा है कि पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं और हमारी सरकार कोई जवाब नहीं दे पाती। ये कब तक चलेगा? जब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप घूम रहे हो विदेशों में या वहाँ घूम रहे हो, हमारे जो सैनिक सड़क पर हैं उनका जवाब कैसे होगा? उनके घर वालों को क्या जवाब देंगी ये सरकार? अब वो रोज हमले पे हमला करते हैं हमारे सैनिकों पे, क्या हमने चूड़े पहन रखी हैं? क्यों इसका जवाब नहीं दे पा रही सरकार हमारी? पूरा हमें इसका जवाब चाहिए है सरकार से। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, उसके ऊपर जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें नियत मार रहे हैं, तो उसका जवाब पाकिस्तान को दिल खोल कर पूरी जान से दिया जाए। हमारे देखने में तो ऐसा अभी तक नहीं लगा, क्योंकि मोदी जी को आने से पहले उन्होंने काफ़ी वादे किए थे,
वो किसी वादे में सफल नहीं हुए और न पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कोई ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है। मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उल्टे पाकिस्तानी रिप्लाई दे रही है। हमारे देखने तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कोई खास उसके साथ पेशकश नहीं आई जो होना चाहिए। सत्ता में आने से पहले उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे लेकिन आने के बाद सत्ता में आने के बाद वही हुआ जो बाकी पार्टियों का हाल हुआ, टाए टाए फीस हो गए। जो उन्होंने वादे किए थे आते वक्त और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ आंख में आंख मिला के बात करेंगे, वो कहीं अभी तक दिखाई नहीं दिया। उनका लगभग एक साल हो चुका है और जहां तक डिफेंस की बात है जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। नहीं है कि आदमी घर में तुरंत मारा पीटी कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन जो मोदी जी ने किया है उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जहां उनसे बातचीत करनी थी उन्होंने बातचीत नहीं किया कि भाई नहीं तुम लोग उग्रवादियों से बात कर रहे हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो जो मोदी जी ने किया अच्छा किया है और उन्होंने देश हित में ही किया है। ऐसा तो लगता तो नहीं है, कहा तो गया था कि एक साल के भीतर बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान को हमें करारा जवाब देना था, करारा जवाब हमको कई मायनों में देना था, वैसा हमको होते हुए दिख नहीं रहा है। अभी तक तो नहीं दे पाई है और मुझे लगता है कि ये दे भी नहीं पाएगी जवाब। अगर यही अगर आपने क्वेश्चन जो आज आपने केंद्र सरकार के बारे में पूछा है, यही अगर आप मुझसे पूछते कि अगर आप केंद्र में बैठे होते तो मैं क्या करता, तो मैं इनको मुंह करारा इतना बढ़िया जवाब देता कि आज के बाद ये जो भी आतंकवाद फैल रहा है वो करना ही भूल जाते। ये तो नहीं दे पाए, ऑर्डर भी नहीं दे पाए कि इनको गोली मारिए, समझे। अगर यही हमारा माननीय मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बना होता वो थ्रू आउट ऑर्डर देता मारने के लिए। नहीं दे पाई कोई, और इस संबंध में इन्होंने कोई काम नहीं कर पाए। कश्मीर की भी हालत बहुत खराब और कश्मीर में भी जो कार होना चाहिए वो केंद्र सरकार कतई नहीं कर पा रही। जवाब नहीं दे पाएंगी, जैसे डरा चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। जो भी सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी यही कहेंगे हम करते हैं, यही करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो जैसे विपक्ष में जैसे बैठते थे तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि करारा जवाब दिया है। देखिए जहाँ तक करारा जवाब की बात है, अगर आप विदेश नीति के क्षेत्र में देखें तो पड़ोसी मुल्कों के अलावा मोदी जी अभी हर देश की यात्रा करके अमेरिका से लेकर हर जगह उन्होंने यात्रा की, और विदेश नीति के क्षेत्र में और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। अभी एक साल कोई भी योजना अगर आप सरकारी लेवल पे बनाएंगे तो एक ही साल में उसका रिजल्ट निकल जाएगा ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए थोड़ा आप भी धैर्य रखें। हमारे ख्याल से जो तीसरा साल आएगा आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। पाकिस्तान को करारा जवाब तो हम नहीं कहेंगे कि अभी दिया है, लेकिन अभी करारा जवाब देने का बहुत समय भी नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जरूर जो है भारतीय ख्याति ऊपर हुई है और पाकिस्तान को जब करारा जवाब देना होगा तो ये निश्चित तौर पर मोदी जी उनको करारा जवाब देंगे। अभी ये समय नहीं कि उनको करारा जवाब दिया जाए। ये जो चीज़ें 40-45 वर्षों से गड़बड़ हुई थी उस हिसाब से मोदी सरकार जो है वह बिल्कुल करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान को, और दूसरी चीज़ ईमानदारी से काम कर रही है, किसी तरह का कोई करप्शन और घोटाला नहीं हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 सालों में निश्चित रूप से कोई न कोई परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। देखिए मेरी समझ से तो मोदी सरकार से जनता को, भारत की जनता को बहुत उम्मीद थी और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि एक सैनिक का सर काट के पाकिस्तान ने भेजा था, तो उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान के लोगों ने इधर आंख उठा के भी देखी तो मैंने आंख मैं निकाल के भेजूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसका करारा जवाब भारत दे सकता था, भारतीय सरकार दे सकती थी, लेकिन दी नहीं। मेरे हिसाब से तो पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा वार हो रहे हैं लेकिन हमारी जैसा बराबर जवाब दे रही है। ये मोदी सरकार निश्चित रूप से पाकिस्तान को दबाव में लिए है, इसमें कोई शक नहीं है, और विशेष करके जो भाजपा की सरकारें होती हैं तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान ये दबाव में आ ही जाता है। मोदी सरकार एक साल में कुछ भी नहीं कर पाई, पाकिस्तान से जवाब मिल गया है मोदी सरकार को, दिया तो इन्होंने क्या है हमने जाना, पाकिस्तान से इनको रोज रोज जवाब मिल रहा है। पहले जो पाकिस्तान हमले करता था और हिंदुस्तान की सरकार उस पर ज़्यादा गौर नहीं देती थी,
पहली बार मोदी जी ने हमारी बीएसएफ को यह आदेश दिया कि अगर पाकिस्तान का एक व्यक्ति को एक व्यक्ति एक क्षेत्र में कहीं हमला करते हैं तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना है और किसी के भी आदेश की आवश्यकता नहीं है। ये पहली बार जो बॉर्डर पर हमारी सेना है उसको ये आदेश किया गया। इस समय पाकिस्तान की स्थिति यह है कि घुसपैठ ना के बराबर कश्मीर में ही घुसपैठ होती थी जो आज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। मोदी सरकार के खड़ी वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष ने भी ये बात कहा था कि ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो हैं वो आतंकवादियों से मिले हैं, पाकिस्तानियों से मिले हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस मामले में मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद शहीद आतंकवादियों से मिले, पाकिस्तान से मिलके और पूरा अपना जो भी आतंकवादियों को छोड़ा है उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ढुलमुल रवैया अपना रही है, कोई करारा जवाब मुफ्ती मोहम्मद शहीद को भी नहीं दे पा रही है और ना उनकी सरकार को भंग कर रहे हैं और ना कोई भी करारा जवाब दे पा रहे हैं, केवल ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। हम देखेंगे, हम उन्हें सही करेंगे, मुफ्ती मोहम्मद को तलब करेंगे। जी हाँ, इस मुद्दे पर इस सरकार ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक रूप से हो चाहे वो सैनिक कार्रवाई के रूप में हो। इससे जनता का भी मनोबल बढ़ा है, हमारी सेना का भी मनोबल बढ़ा है। पाकिस्तान को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब ये कहते थे कि कमजोर गवर्नमेंट है और कमजोर गवर्नमेंट की वजह से वो इतना दबाव डालना है। आप देखिए कि कश्मीर के फ्रंट के ऊपर कश्मीर में और चारों तरफ नक्सल के कितने आदमी फौज के बीएसएफ के और इसके मारे जा रहे हैं। कोई चीज यानी सुरक्षा किसी स्टेज पे नहीं है और जितना पहले हाल था उससे अब कई गुना ज्यादा खराब हो चुका है। कश्मीर का भी हाल खराब हो रहा है, इन्होंने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बना ली। आप बताइए पीडीपी के पिछले आप रिकॉर्ड सुनिए मुफ्ती सईद और उनकी बेटी के और आज ये उनके साथ गलबैया कर रहे हैं और उनकी सारी बातें जो है वो मंजूर हो रही। तो ये अब कमजोर गवर्नमेंट पहले थी या अब है? जब सरकार जो चली गई, जब वो कुछ करती थी, जब ये सवाल जब ये उठाते थे कि मेरी सरकार आएगी कोई एक सर लाएगा एक दर्जन ले आएंगे, तो जब इनकी सरकार में सब हो रहा है तो आज तक इन्होंने किसी डांटा भी डांटी थे किसी भाई हरकतें बंद कर दो बॉर्डर पे अपनी कहाँ बंद कर रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने सरकार बना ली अपने उससे माँ बेटी सरकार से, भाई वहाँ कह रहे थे ये माँ बेटी सरकार नहीं चलेगी, बाप बेटी सरकार नहीं चलेगी, अब ऐसा नहीं होगा। फिर उन्हें दोस्ती करके सरकार बना ली। पाकिस्तान बराबर अपना जो ऊपर मतलब सुपर हिट तो समझिए रात में को आगे अभी तो कुछ अभी नथिंग। मोदी सरकार के एक साल हो चाहे पांच साल पूरे हो जाए, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है एक इंदिरा गांधी को छोड़ के किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी कुव्वत नहीं आई कि पाकिस्तान को वो अभी जवाब दे पाए। मोदी जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री आए, बनने के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करते रहते हैं लोग कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। राजनाथ जी ने कहा था कि मेरे मोदी जी की गवर्नमेंट बनते ही पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। आज एक साल हो गए, एक साल अभी धीरे धीरे कट गया, पाँच साल भी कट जाएगा और जहाँ का तहाँ देश वहीं पर स्थिर है। आखिर तक उन्हें जवाब दिया गया है और ना ये दे पाएंगे कभी। हमें तो नहीं लगता सर कि आज तक कोई मोदी जी को जवाब दे पाए हैं, क्योंकि सीधी सी बात कि जब जब उन्होंने पाकिस्तान वालों ने जवानों को सर कलम करे तब तो आज तक कोई जवाब ना दे पाए मोदी जी, तो अब क्या जवाब देंगे। एक साल होने वाले, जो जो वादे करे तो कोई वादे ही नहीं पूरे हुए। अभी तक करारा जवाब नहीं दिया जबकि बराबर पाकिस्तान अपने सीमा से लांघ कर सैनिकों पर हमला कर रही, लेकिन अभी इनके कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या जवाब देंगे और जिससे कि देश का बड़ा अहित हो रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं, भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं, मोदी सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है, अभी कुछ करारा जवाब नहीं दिया है। आए दिन जो है हमला पाकिस्तान करता है और शांति ही वार्ता चल रही जो पिछली सरकारों में चल रही थी, इनकी तरफ से कोई नया काम तो हो नहीं रहा कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बाकी जो है मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए, पिछली सरकार और इस सरकार में फिर अंतर ही क्या है। मोदी सरकार के एक साल पूरे उन्होंने जो जो वादे किए तब तो उन्होंने कोई वादे नहीं पूरे किए हैं। पाकिस्तान हमेशा सीमा पे अपनी सीमा का उल्लंघन करता रहता है, जो जो और मोदी सरकार को जो पाकिस्तान करता है उसका कहते करा जवाब देना चाहिए। उन्होंने आज तक कुछ ऐसा क्या काम ही नहीं किया अब तक एक साल में कि कहते जिससे कि पाकिस्तान को करा जवाब मिले और जो करता रहता वो अपनी करना बंद कर दें। हाँ बिल्कुल करारा जवाब दिया है,
कैसे? जैसे चाहे प्यार से समझी समझौता करके या सीमा पर हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, सीमा पर सेना ने दिया है, भाजपा शासन लेके या किसी शासन को लेके मोदी सरकार ने हमेशा जवाब करार ही दिया है। मोदी सरकार अभी जवाब नहीं दे पाई है। अभी जम्मू कश्मीर में हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ मोदी सरकार पीडीपी का समर्थन कर रही है। पाकिस्तान में ही तो वो पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाई है, जम्मू कश्मीर में ही अभी समस्या बनी हुई है, लोग तिरंगे जला रहे हैं। जब दशमी हमारा नहीं हो पा रहा तो मोदी जी पाकिस्तान को क्या जवाब दे पाएंगे? चुनाव से पूर्व उन्होंने चुनावी बात बारी जो किए थे कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे और हमें सरकार बन जाने के बाद हम करारा जवाब देंगे, परंतु इनकी जो सरकार बन गई है आज भी ये पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान चौकियाँ हमारी चौकियों पर आक्रमण कर रही हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे। जबकि आप पीडीपी को लेकर जिस समर्थन में हैं, जिस पीडीपी ने एक देश का राष्ट्रीय ध्वज चलाया था उसको लेकर ये समर्थन में हैं, क्या ये पाकिस्तान को करारा जवाब दे पाएंगे? ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सीट पर बैठकर एक पाकिस्तान को करारा जवाब दे पाएंगे। करारा जवाब देने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई है। उग्रवादियों की सरकार जो पीडीपी की है उसके साथ जब से इन्होंने समझौता करके अपना इतिहास कायम करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर में शामिल हुई सरकार रही, उस दिन के बाद में ये कोई स्टेटमेंट भी करा नहीं दे पा रहे हैं। कार्रवाई तो ये क्या करेंगे, जवाब देने की इनसे उम्मीद समाप्त हो चुकी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसने भारतीय सेना को जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आदेश दिया है, इसके तहत पाकिस्तानी कार्रवाई बहुत कम हो गई, पाकिस्तानी घुसपैठ काफी कम हो गई है। नहीं नहीं सर, कोई करारा जवाब नहीं दिया है इन्होंने। मोदी सरकार ने एक इंटरव्यू में बोला था मोदी ने कि हाफिज सईद को का क्या करना है वो हम बताएंगे, जैसे अमेरिका ने लादेन के साथ किया था, उसने बता के थोड़ी किया था, ऐसे ऐसे बुरे एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने इलेक्शन से पहले, तो कुछ नहीं हो पाया उसका ना। अभी भी हाफिज सईद जहर उगलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ बेकारे भाषणबाजी करता रहता है, पब्लिक को गुमराह करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, कुछ नहीं हुआ है सर उसका। और बॉर्डर पर भी आप देख लो रोज क्या हो रहा है ना, आतंकवादी गतिविधियां यहाँ हो रहा है, ये बम ब्लास्ट यहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। तो बॉर्डर भी पे भी कोई खास, चीन को देख लो आप, रोज हमारे समुद्र में जो है कि घुसपैठ करने की कोशिश करता है, समुद्र में जगह नहीं मिलती है तो नेपाल के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करता है, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी ने जो है पाकिस्तान को अच्छा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, और आए दिन जो पाकिस्तान से गोलीबारी होती थी भारत की सीमाओं पर वो लगभग बंद है। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है, इसलिए हमारी जो भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई बहुत त्वरित और बहुत मजबूत कार्रवाई हुई है, जिससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हुए हैं। नहीं, मोदी सरकार और भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कूटनीतिक एवं राजनीतिक जो है विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा जवाब दिया है, और इससे जो है पाकिस्तान का जो मसला है वो सुलझ भी जाएगा, और इससे हमें और भी आशा है। एक साल अभी 5 साल पूरे हैं, ये पाकिस्तान पूरा जो है पूरा पाकिस्तान का पूरा जो है मसला समाप्त हो जाएगा। अभी तक सरकारें कई बनी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया जिससे कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़े। हमारे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि पाकिस्तान को लगने लगा कि शायद भारत हम पर आक्रमण कभी भी कर सकता है और हमें समस्या आ सकती है, इसलिए पाकिस्तान भी अब डरने लगा है। और मोदी सरकार जो पाकिस्तान के लिए जवाब दे रही है उसके लिए भी उन्होंने कई रणनीतियां तैयार की हैं। मोदी सरकार को 1 साल होने वाला है, ये सरकार कोरे वादों की सरकार है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के खिलाफ ये अल्फाज में नहीं बोल सकते क्योंकि पाकिस्तान से पहले से ही मिले हुए हैं। इनकी तो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नीति है, क्योंकि फूट करो और राज करो और फूट डालो। इनको आज पहले बीजेपी की सरकार रही थी तो उस टाइम में बीजेपी सबसे ज्यादा अटैक पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया, और इन्होंने उनका समर्थन किया। एक तरफ ये लाहौर जाते हैं, दूसरी तरफ ये फिर उनको मेहमान नवाजी कराते हैं। ये सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान से मिली हुई है, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अल्फाज ये नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके ऊपर इनकी राजनीति रोटियां सीखती हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान की सरकार से मिली हुई है, ये पाकिस्तान वालों को गाली देते हैं और उसके नाम पे हिंदुस्तान में सरकार बनाते हैं, और पाकिस्तान से ये विदेश में जाके जो है अंदर बैठ के खुफिया तरीके से जो है दोस्ती निभाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को अब तक कोई करारा जवाब नहीं दिया, ना इन्होंने चाइना को कोई जवाब दिया। मोदी सरकार अपने आप को कोई सवाल का जवाब करारा नहीं दे पा रही तो पाकिस्तान को क्या दे पाएगी? हमें तो लग नहीं रहा कि वो कुछ कर पाएगा। वो तो झूठी बातें कह कह करके अपना हवा बना गया, और उसको जनता चूतिया बन गई उसके कहने से।
और आज पछता रही है। मोदी सर, मोदी हमारे लिए एक बहुत बदनुमा दाग है, बहुत बड़ा धोखा है, स्वप्न बेचे हैं और जितने भी वायदे किए उस तमाम वायदे धोखा धड़ी से हैं, कुछ भी आज तक उनका कोई सत्यता नहीं है, सपने बेचे हैं मोदी ने। रही पाकिस्तान, पाकिस्तान को नवाज शरीफ को इन्होंने यहाँ बुलाया था, यहाँ कुछ कह के नवाज शरीफ वहाँ जाते ही उसने जा करके और तुरंत उसका उल्टा कर दिया, तमाम धोखे दिए जा रहे हैं। कोई तब ये कहते नकवी को अरेस्ट करेंगे, ये कराएंगे, दाऊद को लाएंगे, आज कहाँ दाऊद, इनको वो भी नहीं पता दाऊद का ठिकाना कहाँ है। जहाँ तक हम देखते हैं मोदी की रणनीति को तो लगता है वो काफी हद तक हिंदुस्तान के फेवर में है और हिंदुस्तान का पक्ष भी रखते हैं, देश विदेशों का दौरा करते हैं और हिंदुस्तान का लगातार पक्ष रखते जा रहे हैं और अपनी राजनीति से देश को बढ़ावा दे रहे हैं विश्व स्तर पर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को करार जवाब देना तो एक छोटी सी बात है, कभी बाप अपने बच्चे को जवाब नहीं देता तो ऐसा कहना गलत होगा कि करार जवाब, लेकिन हाँ एक टुक जवाब हमेशा हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, तो मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ